नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टीम गुरु में। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करने वाला हूं जयपुर वर्सेस मुंबई के बीच में जो प्रो कबड्डी का मैच होगा उसकी आप लोग के लिए स्मॉल लीग की टीम, साथ में ग्रैंड लीग्स के लिए टिप्स ट्रिक्स और फ्रेंड्स प्लेइंग सेवन प्लेयर्स का बैकग्राउंड कि कौन सा प्लेयर कैसा रहा था पिछले सीजन किस प्लेयर का, तो आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पे कल ये मैच खेला जाएगा और कल से नवरात्रा भी स्टार्ट है, तो आप लोगों के लिए नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। जितने भी हमारी टीम गुरु की फैमिली है सबको नवरात्रा की स्पेशल शुभकामनाएं मेरी तरफ से फ्रेंड्स, और आप लोग खूब सारा पैसा विन करें, खूब सारी अर्निंग आपके हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि माता रानी की कृपा आप पे कंटिन्यू बनी रहेगी। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स टीम की तरफ। तो टीम मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाई है जो बेसिकली स्मॉल लीग की है, तो आप लोग इसमें थोड़े बहुत चेंज करके या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट वगैरह करके आप लोग इसे ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी ग्रैंड लीग में लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं राइडिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगा। तो राइडर में मैंने यहाँ पे तीन राइडर लिए, जो मेरे पहले राइडर वो अनूप कुमार है जो कि मेन राइडर जयपुर की तरफ से। आप लोगों ने इनका पिछला सीज़न देखा होगा फ्रेंड्स कि काफ़ी धमाकेदार प्लेयर हैं, तो आप लोग स्मॉल लीग की टीम में इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब चलते हैं सेकंड राइडर की तरफ। तो सेकंड राइडर मेरी जो है सिद्धार्थ देसाई, जिन्होंने कि पिछले मैच में मुंबई की तरफ से मेन राइडिंग की थी। तो देख सकते हो 55 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे हमें दिलाए थे। अब जो मेरे तीसरे राइडर है फ्रेंड्स वो है मुंबई की तरफ से अभिषेक सिंह। आप यहाँ पर ले सकते हो फ्रेंड्स रोहित बलियान को, काफ़ी अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स ये भी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप यहाँ पे अबू फजल को ले सकते हो जो कि मेन राइडर है मुंबई की तरफ से, लेकिन पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, तो हो सकता है कि इस मैच में इन्हें खिलाया जा सके। तो ओनली 7% लोगों ने लिया है। आप थोड़ी छोटी मोटी ग्रैंड लीग में इन्हें एक टीम में कैप्टन ज़रूर रख सकते हो फ्रेंड्स। अगर कोई न्यूज़ आती है इनके बारे में कुछ कन्फर्म तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा। बाकी आपके पास यहाँ पे राइडिंग डिपार्टमेंट कोई खास ऑप्शन तो है नहीं फ्रेंड्स। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है जयपुर की तरफ से, दीपक निवास हुड्डा और नितिन रावल। तो आप यहाँ पे ले सकते हो हाँ दीपक निवास हुड्डा को, नितिन रावल को, और यहाँ पे विनोद कुमार भी है, लेकिन विनोद कुमार के थोड़ा खेलने के चांसेस कम है बिकॉज इनका परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो पिछले मैच में सिर्फ 1 पॉइंट इन्होंने दिया था, तो मे बी ये क्या पता नहीं भी खेल सकते, तो आप लोग इन्हें मत लीजिए। यहाँ पर आप नितिन रावल को ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दीपक निवास हुड्डा को लिया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स डिफेंस की तरफ। तो डिफेंस में मैंने यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे पेन डिफेंडर है वह अब फैजल अटरचली जो कि कैप्टन है मुंबई के और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। देख सकते हो पिछले मैच में 31 पॉइंट इन्होंने दिए थे, तो आप लोग स्मॉल लीग की टीम में इन्हें भी बिल्कुल मिस मत करिए। दूसरे जो मैंने डिफेंडर लिए हैं वो लिए हैं जयपुर की तरफ से बाजीराव हेगड़े, काफ़ी अच्छे डिफेंडर ये भी, काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंस कर लेते हैं जयपुर की तरफ से। जो और जो मेरे तीसरे डिफेंडर है फ्रेंड्स वो है सुरेंद्र सिंह। तो ये मेरे तीन डिफेंडर हैं। अब चलते हैं अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ फ्रेंड्स। इस अल्टरनेट ऑप्शन का मतलब है कि मैं आपको प्लेइंग सेवन के बारे में भी बता रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ढंग से देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या प्लेइंग सेवन में आने वाले हैं प्लेयर। तो यहाँ पर जो पहले प्लेयर है जो अल्टरनेट यहाँ पर वो है धर्मराज। तो धर्मराज को आप लोग ले सकते हो, देख सकते हो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 27 पॉइंट हमें दिए थे। और फ्रेंड्स, दूसरे जो यहाँ पे ऑप्शन है जयपुर की तरफ से यहाँ पे मोहित चिल्लर, तो आप लोग मोहित चिल्लर को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ये भी बेस्ट ऑप्शन है जयपुर की तरफ से फ्रेंड्स। और यहाँ पे रोहित राणा जो कि तीसरे ऑप्शन है यहाँ पे अल्टरनेट, तो आप रोहित राणा को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, लेकिन फ्रेंड्स पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे इसलिए ओनली 7% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हो मोहित चिल्लर और यहाँ पर धर्मराज को या फिर मोहित चिल्लर को, तो आपको यहाँ पे से फ्रेंड्स कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी एक प्लेयर का। लेकिन यहाँ पे अगर धर्मराज को लेते हो फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे से करना पड़ेगा, यहाँ पे से आप अनिल को ले सकते हो और फिर आप यहाँ से ले सकते हो फ्रेंड्स अभिषेक सिंह की जगह पे एक अच्छा डिफेंडर आप लोग ले सकते हो, मोहित चिल्लर और यहाँ पर बाजीराव होगड़े। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन के भी साथ भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपका एक प्लेयर नहीं खेलेगा जो कि है अनिल, लेकिन आपके जो तीन जो डिफेंडर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दो राइडर भी आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक ऑलराउंडर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इजीली आप लोग इस टीम से भी मेरे हिसाब से विन कर लोगे, तो आप इस कॉम्बिनेशन के भी साथ जा सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक प्लेयर नहीं खेलेगा आपका, वो है अनिल। तो ये आपके लिए फ्रेंड्स बस चॉइस थी कि आप इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन मैं तो फ्रेंड्स नहीं चाहूँगा कि आपका प्लेयर मिस हो, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर यही टीम सजेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो कैप्टन मैं यहाँ पे लूँगा फ्रेंड्स सिद्धार्थ देसाई को जो कि मेन राइडिंग कर रहे हैं मुंबई की तरफ से, और वाइस कैप्टन मैं लूँगा यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा को। तो फ्रेंड्स, स्मॉल लीग की मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट टीम है। अगर आप लोग
और कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे तो आप यहाँ पे ले सकते हो अनुप कुमार को वाइस कैप्टन फ्रेंड्स, या फिर कैप्टन अनुप कुमार को वाइस कैप्टन सिद्धार्थ देसाई को, या फिर कैप्टन या फिर दीपक निवास हुड्डा को और सिद्धार्थ देसाई को वाइस कैप्टन। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग जा सकते हो स्मॉल लीग में। अगर आप लोग जाते हो ग्रैंड लीग में तो आप लोग यहाँ पे लीजिए सिंपली फैजल अर्टसली को कैप्टन और यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई को वाइस कैप्टन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन लेते हो मुंबई के डिफेंडर को, तो आप वाइस कैप्टन भी मुंबई के ही राइडर को लीजिए। अगर आप लोग लेते हो यहाँ पे जैसे बाजीराव होगड़े को आप लोग लेते हो कैप्टन, तो आप लोग यहाँ से अनुप कुमार को वाइस कैप्टन लीजिए, क्योंकि बाजीराव होगड़े अगर पॉइंट देगा तो वो देगा हमको इनसे हटा के पॉइंट देगा सिद्धार्थ देसाई और अभिषेक सिंह से। तो अभिषेक सिंह जब राइड नहीं करेगा तभी बाजीराव को पॉइंट मिलेंगे फ्रेंड्स, और अनुप कुमार मतलब तो हमें ये वाइस कैप्टन के रूप में ये इतने पॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पे अगर अगर हम ऐसा भी करते हैं कि अनुप कुमार को कैप्टन लेते हैं और वाइस कैप्टन की चॉइस हम ढूंढ रहे हैं डिफेंडर में, तो आप जयपुर का ही वाइस कैप्टन पिक करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जा सकते हो इन कॉम्बिनेशन के साथ ग्रैंड लीग में। अब चलते हैं टीम के प्रीव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स यह है मेरी आज की टीम्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टीम पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये टीम पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कबड्डी से रिलेटेड हर एक न्यूज़, हर एक टीम आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फ्रेंड्स।